Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I was thinking about what to make next and मुझे कुछ पुरानी सीरीज मिली तो मैंने सोचा कुछ अपना नया प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड किया जाए. So I thought of painting them. तो हम लोग यहाँ पे अपनी सीरीज को पहले वाइट कलर के एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे. हम लोग उसका बेस सही कर देंगे एंड देन वी विल डू पेंटिंग ऑन दैट. तो मैंने यहाँ पे इसको पेंट ब्रश से भी पेंट करके देखा है एंड स्पंज मेथड को भी यूज़ किया है और मुझे पर्सनली स्पंज मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगा बेस को कवर करने के लिए. सो यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई दैट एंड इफ़ यू आर ओके विद द पेंट ब्रश मेथड यू कैन डू विद दैट ऑल्सो. यहाँ पे हमने अपनी सीढ़ी को वाइट पूरा कर दिया है, उसका बेस पूरा कलर हो गया है और अब हम इस पे अपने कलर्स अप्लाई करेंगे. मैंने यहाँ पे ये लाइट ब्राउन कलर विच इज़ समवॉट लुकिंग लाइक पीच कलर, इससे मैं अपनी पूरी सीढ़ी को कवर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पंज जैसा मैंने आपको बताया. तो मैंने यहाँ पे पहले से ही ये डार्क ब्राउन कलर से पैटर्न बना दिया था और अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से दूसरा पैटर्न अपना पेंट कर रही हूँ इस पर. और ये जो कलर आप इस पर पेंट करेंगे तो उसके लिए आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पहले वाला कलर है वो अच्छे से सूख जाए, आप उसके बाद ही अपने दूसरे कलर्स उस पर अप्लाई करें. क्योंकि अगर आप बिना सूखे उस पर कलर अप्लाई करेंगे देन आपका जो पेंट है वो स्क्रैप ऑफ होगा और फिर आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी. मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी टाइम हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो पेंट शायद सूख गया है, बट वो नहीं सूखा था, वो चीज़ वहाँ से स्क्रैप ऑफ हुई तो मैंने उस पर वहाँ दोबारा से उसको सही किया एंड देन मैं दोबारा से पेंट कर रही हूँ. तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें. And here we will go with some red. So यहाँ पे मैंने अपने different patterns जो बना रही थी मैं वो मैंने बना लिए हैं. और अब मैं यहाँ पे green color से एक branch बना रही हूँ. और मैं वैसे तो कुछ बनाने से पहले उसकी आउटलाइनिंग दे देती हूँ पेंसिल से, बट यहाँ पे मैंने आउटलाइनिंग नहीं दी थी, मैं डायरेक्टली कलर से ही इसको बना रही हूँ. और अगर आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं देन आप लोग बिल्कुल बनाएं, लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि हम कुछ बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज़ डू सम रफ स्केचिंग ऑन दैट. आप उसके बाद ही उसको करिए. मैंने यहाँ पर बिना स्केचिंग के डायरेक्टली इसको कलर से बनाना शुरू कर दिया है और इस तरीके से ये पूरी ब्रांच बनाई है. एंड देन मैं यहाँ पे ऐसे लीव्स बना दूँगी राउंड शेप में. आपका मन हो आप इसको राउंड भी बना सकते हैं, आगे से पॉइंटेड भी लीफ रख सकते हैं, जैसी आपको अच्छी लगे आप उस तरीके की लीव्स बना सकते हैं. मुझे यहाँ पे राउंड बनाने का मन किया तो मैंने राउंड बना दी. और वैसे यहाँ पे पॉइंटेड भी अच्छी लग सकती थी बट मैंने यहाँ पे राउंड ही बना दी, बस मुझे मन किया तो मैंने बना दिया. सो दिस इज़ आर फाइनल लुक. ये कुछ हमने जो भी पेंट किया वो ऐसा बन के आया है. सो नाउ वी विल अप्लाई अ कोट ऑफ वार्निश ऑन द सीडी.
इसके साथ साथ मैंने 3 CD और भी पेंट करी हैं जो कि कुछ ऐसी बन के रेडी हो गई हैं। आप लोग अपने व्यूज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि आपको ये CDs कैसी लगी, और इन CD का बेसिकली आप लोग पूछेंगे कि यूज़ क्या है। यू कैन पेस्ट इट ऑन वॉल विद द हेल्प ऑफ द डबल साइडेड टेप, और यू कैन हैंग दम विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑन टू द वॉल। यू कैन डेकोरेट दम, यू कैन मेक योर वॉल लुक ब्यूटिफुल। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।